नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIIC में। और एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। और साथ में ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, यदि पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दे शिक्षक भर्ती की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है पद वृद्धि आंदोलन से संबंधित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, रंजीत गौर जी, ममता निगम जी और भी कई अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पदों में वृद्धि हो जाए। और पद वृद्धि के लिए दोस्तों पत्र भी लिखे गए हैं सांसदों को, मुख्यमंत्री जी को, विधायकों को, सभी को, और उन पत्रों के माध्यम से अपनी बात को बताने का प्रयास किया गया है। और साथ में ही इन विधायकों के द्वारा भी, सांसदों के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों, इसी पत्र के संबंध में हम आज बात करने वाले हैं कि पत्र किसने लिखा है और इस पत्र में क्या क्या इंक्लूड है। तो ये तो हो गई दोस्तों पद वृद्धि की बात। और दूसरी जानकारी है ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अभी तक 5,704 शिक्षक जो कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में चयनित हैं, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी है। वर्ग 1 की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वर्ग 2 को लगातार लटकाया जा रहा है और उनको बरगलाया जा रहा है। बार बार फोन से बात की जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, अगले सप्ताह, इसी सप्ताह, इस प्रकार से बातचीत की जाती है, लेकिन अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही, ना ही कोई कारण बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी कुणाल चौधरी जी ने ट्वीट किया है और पूरी दशा को बताया है कि क्या स्थिति है आदिवासी विद्यालयों की। तो भाई ट्वीट क्या है और किस प्रकार से दोस्तों अन्य अभ्यर्थियों को भी इनके नीचे ट्वीट करना है, जिससे कि ये जो ट्वीट की गई है ये पूरी की पूरी, इससे संबंधित पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिले, शिक्षा मंत्री जी को मिले और वह आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम बात कर लें पद वृद्धि आंदोलन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर है, इसकी कटिंग है और इसमें है कि शिक्षकों के पद बढ़वाने विधायक निलय डागा ने सीएम को लिखा पत्र। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार प्रयास किया जाता रहा है, तो बैतूल के विधायक हैं निलय डागा और उन्होंने माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू विषय के पदों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि इन विषयों में 50, 60, 100 और 18 पद ही मात्र आए हैं और निश्चित रूप से जो कई मेरिट के अभ्यर्थी थे वो इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के संबंध में लगातार ज्ञापन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि ये जो जानकारी है पूरी मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और इस संबंध में हाल ही में कुछ लोग युवा विधायक डागा से मिले थे जो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इन अभ्यर्थियों की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पद वृद्धि के लिए निवेदन किया था। विधायक श्री डागा ने उन्हें पद वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आश्वासन भी दिया था और इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से बातचीत करने की बात भी कही थी और कहा था कि इसके संबंध में मैं पत्र भी लिखूंगा। और दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा है और जो भी प्रतिनिधि रहे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, जो पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी रहे हैं, उनको कहा कि मैं इस समस्या से जरूर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और उन्होंने ये पत्र भी लिखा है। तो दोस्तों, यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो सभी विषयों में लगभग 60,686 पद रिक्त हैं और मध्य प्रदेश में 10 वर्ष बाद शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया है। उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू विषय के पदों की संख्या ना के बराबर है और इससे शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिकांश पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब आगे की स्थिति में नहीं कह सकते कि वर्ग 1 और 2 की नियुक्ति कब आएगी। तो दोस्तों, जो कुछ है वह अभी है। इस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि आप जो है सभी SC ST OBC सामान्य वर्ग, अतिथि शिक्षक, सभी के लिए जो है पदों में वृद्धि करें जिससे कि उनको, सभी लोगों को इस प्रकार का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि ये पत्र है, उनके लेटर पैड पर लिखा हुआ है और संबोधित है श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री जी को। और विषय तो आप जानते ही हैं कि माध्यमिक शिक्षक
भर्ती 2018 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू विषय के पदों में वृद्धि करने बाबत, और इसमें पत्र है में वही चीज़ लिखी हुई है जैसा मैंने बताया कि 60,686 पद रिक्त हैं और आप जो है इन पदों को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि निश्चित रूप से जो अच्छे अभ्यर्थी हैं और पदों की संख्या कम होने की वजह से इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, यानी कि उनका जो शिक्षक बनने का सपना था वो केवल पदों की संख्या में कम होने की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यदि हम जनजाति विभाग की भी बात करें, DPI की भी बात करें, तो हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं और एक आकलन के अनुसार लगभग 90,000 से लेकर के 1,00,000 के मध्य तक पद रिक्त हैं। और दोस्तों निश्चित रूप से गवर्नमेंट को अच्छे शिक्षक भी मिल पाएंगे और प्रदेश की बेरोजगारी को दूर होने में भी काफी कुछ इससे मदद मिलेगी और साथ में ही सरकार की यश और कीर्ति भी इससे बढ़ेगी। तो दोस्तों सभी बातें हैं तो इसको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो है पदवृद्धि आंदोलन अपने आगामी चरण में निश्चित रूप से सफल होगा और 10 दिसंबर को भी मानवाधिकार दिवस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में किया जा रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें जिससे कि पदवृद्धि अपने सार्थक स्तर तक पहुंच सके, अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सके। चलिए दोस्तों ये तो हुई बात पदवृद्धि आंदोलन की कि किस प्रकार से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं चयनित शिक्षकों की। तो दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट में 5,704 शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षक के जो है विद्यालयों को अलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में कुणाल चौधरी जी ने ट्वीट किया है, तो वो ट्वीट में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ट्विटर पर कुणाल चौधरी लिखते हैं कि यदि आदिवासी स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो समझिए आदिवासी बच्चों के भविष्य को जानबूझकर अंधकार में धकेला जा रहा है। और ये इन्होंने पेपर का यूज भी किया है कटिंग का कि बीते 4 साल में 5,704 उम्मीदवारों को अब तक नहीं मिली है ज्वाइनिंग, यानी कि दोस्तों 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि यदि 1500 आदिवासी स्कूल शिक्षकों के बिना खाली हैं तो इस अनदेखी को क्यों ना आदिवासी विरोधी माना जाए। दोस्तों गौरतलब है कि यदि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी जोर शोर से मनाया गया था और मोदी जी को बुलवाया गया था, प्रधानमंत्री जी को बुलवाया गया था और काफी कुछ इनके विकास में योगदान देने के लिए काफी कुछ कहा गया था। उसके बाद में कुणाल चौधरी लिखते हैं कि आदिवासियों के नाम पर महल नहीं स्कूल आबाद कीजिए, आदिवासी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट किया है माध्यमिक शिक्षकों का और जिनकी संख्या 5,704 है। और हालांकि दोस्तों जो मेरिट सूची जारी की गई है उसमें इतनी संख्या उनकी नहीं है, लेकिन यदि वेटिंग को भी मिला दिया जाए तो टोटल संख्या 5,704 निकल करके आती है जिनका की बाद में नियुक्ति की जाएगी और उसे भी इन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ट्वीट किया जा रहा है तो इसके नीचे सभी अभ्यर्थी ट्वीट्स भी कर रहे हैं, इनका जवाब भी दे रहे हैं, इसको रीट्वीट भी किया जा रहा है और अधिक से अधिक इसका प्रयास करें जिससे कि इन ट्वीट्स की मदद से हम पूरी अपनी जो भी समस्या है, हमारा जो भी मैसेज है, हमारा जो भी संदेश है मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। हालांकि शिक्षा मंत्री ने भी अभी बयान दिया था, इंदर सिंह परमार जी का भी एक बयान आया था और मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि उन्होंने कहा था कि चाहे जनजाति विभाग हो चाहे DPI हो, सभी में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और जितने भी पद हैं सभी भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बात की थी। तो दोस्तों एक पॉजिटिव वे निश्चित रूप से नजर आता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव बने रहना है और लगातार जब तक कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो जाता, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, माध्यमिक शिक्षकों की कंप्लीट नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इस अभियान को समाप्त नहीं करना है। तो दोस्तों ये दो जानकारियां थी बहुत ही महत्वपूर्ण, डायरेक्ट शिक्षक भर्ती से संबंधित थी कि पद वृद्धि होने से निश्चित रूप से सभी का भला होगा, वेटिंग के कैंडिडेट को भी निश्चित रूप से अधिक संख्या में ज्वाइनिंग मिलेगी, अतिथि शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग के परसेंटेज में फायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि होगी जो कि शिक्षक बन पाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों कुणाल चौधरी जी ने जनजाति विभाग में 5,704 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी काफी बड़ा समर्थन किया है और पहले भी वह इसके संबंध में समर्थन करते रहे हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई और मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।